फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। तो पहले हम ये समझ लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट्स ये फ्लो लिखा है, कैश फ्लो मतलब रोकड़ का बहाव, रोकड़ बहाव। तो कैश फ्लो में एक ऐसा विवरण पत्र जिसमें हम रोकड़ के आने वाले साधनों का विश्लेषण करें तथा रोकड़ किन किन साधनों में उपयोग हुई है उसका यदि हम विश्लेषण करें तो वह विवरण पत्र कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब हम इसमें कैश का इनफ्लो देखेंगे, मतलब कैश कहां कहां से आ रही है, और आउटफ्लो देखेंगे कि कैश कहां कहां जा रही है या हमने किन किन जगह पर नकद खर्च किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स होता है कैश हमें किन किन सोर्सेज से प्राप्त हुई है और किन किन सोर्सेज में हमने कैश का उपयोग किया है, उस जानकारी को बताने वाला स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और ये जो है आपको AS3 के अकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या बनता है, कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संपत्ति का विक्रय किया, लेनदारों को भुगतान किया, व्ययों का भुगतान किया और आपसे पूछ लिया कि रोकड़ अंतर्वाह मतलब कैश इनफ्लो किस साधन में हो रही है, कैश कहां से। तो इनफ्लो लिखा है आपको, अंतर्वाह लिखा है, इसका अर्थ है कि आपको देखना है कैश किस उसमें आ रही है। तो देखिए संपत्ति का विक्रय करेंगे तो आप कैश आपके पास आएगी, और जब भुगतान करेंगे आप तो इसमें क्या होगा, आपकी कैश जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संपत्ति का विक्रय करने से कैश हमारे पास आएगी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम इसके उद्देश्यों की बात कर लें कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं या इसके क्या लाभ हैं। तो हम कैश का एनालिसिस करते हैं इसमें, तो क्या उद्देश्य है इसका या क्या लाभ है इसके। तो पहला क्या हो जाएगा, रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, ये आप सब नोट करते चले। तो उद्देश्य या लाभ, ठीक है, आते हैं तो आपको लिखना है। सेकंड, तरलता की स्थिति, मतलब रोकड़ का एनालिसिस करके, कैश का जो है एनालिसिस करके हमें यह पता लगता है कि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, तरलता की स्थिति क्या है, हमारे पास कितना नगद रखा हुआ है। तीसरा, अल्पकालीन विश्लेषण, अल्पकालीन विश्लेषण। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वह अल्पकालीन विश्लेषण होता है, मतलब साल भर में आपने किन किन जगह से पैसा कलेक्ट किया है और किन किन जगह से जो है पैसा आपने यूज किया है वह आपको बताता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से यह बनाने से हमें शॉर्ट टर्म में हमारी पोजीशन क्या रही है वो हमें पता लग जाती है, ठीक है। और क्या हमें उद्देश्य है इसको बनाने का, तो अंतिम कैश की जानकारी, अंतिम रोकड़ व प्रारंभिक शेष की जानकारी। ये हमें जो है क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से, चूंकि इसमें हमेशा 2 साल का डेटा लिया जाता है, तो प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ जो है उसका मिलान कि पिछले साल हमारे पास इतनी कैश थी, इस साल हमें हमारे पास इतनी कैश रखी है, तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उनका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, तो हमारी नगद की
वास्तविकता को जानने के लिए। अब नगद मतलब रोकड़ की वास्तविकता, कहीं आपको रोकड़ की जो है, हम यदि कैश हमें जो है पिछले साल 10,000 रुपए दी है और इस साल 40,000 रुपए दी है, तो जो 30,000 रुपए का डिफरेंस है वह डिफरेंस के साथ कहीं छेड़खानी तो नहीं हुई है, या जो कैश हमारी तिजोरी में रखी हुई है उस कैश के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से सही सही पता लग जाता है। तो यदि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के उद्देश्य या लाभ आते हैं तो आप ये पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है थ्योरी में, वो है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रोकड़ प्रवाह विवरण में अंतर, डिफरेंस बताना है। किसमें? रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, इन दोनों में अंतर आपको आ सकता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम अभी सीख ही रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुए हैं उसके लिए बनाया जाता है। तो पहला हो गया इसमें अंतर का आधार अवधारणा। तो कोष रोकड़ प्रवाह विवरण की अवधारणा जो है वो क्या होती है, संकुचित होती है, क्योंकि इसमें केवल हम किसका एनालिसिस देखते हैं, रोकड़ का। ठीक है, इसलिए इसकी अवधारणा संकुचित होती है। और इसकी अवधारणा क्या होती है, विस्तृत होती है, क्योंकि इसमें हम रोकड़ प्लस चल संपत्तियां व चल दायित्व सभी का एनालिसिस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेकंड अल्पकालीन या दीर्घकालीन, अल्पकालीन या दीर्घकालीन। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को जो है क्या माना जाता है, अल्पकालीन माना जाता है, और कोष प्रवाह विवरण को हम क्या मानते हैं, दीर्घकालीन मानते हैं। ये सब पॉइंट आप नोट करते चलिए, इसको हम शॉर्ट टर्म मानते हैं कैश फ्लो को, और फंड फ्लो का एनालिसिस जो होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। फिर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तालिका, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं बनाई जाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाई जाती है, शेड्यूल बनाई जाती है इसकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस की। इसके बाद है रोकड़, रोकड़ प्रवाह विवरण में हम केवल नगद व्यवहारों को शामिल करते हैं, हम केवल उन व्यवहारों को शामिल करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को लेते हैं जो नगद में हुए हैं, लेकिन कोष प्रवाह विवरण में हम नगद प्लस उपार्जित, मतलब आपको भले ही कैश प्राप्त नहीं हुई है, आपने सिर्फ अर्न किया है, तो उसकी भी एंट्री हम इसमें लेते हैं। पांचवा रोकड़ शेष, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का जो बैलेंस है वो आंसर होता है, उसको हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं, रोकड़ शेष जो है नहीं शामिल होता है किसमें, इस विवरण पत्र में। और कोष प्रवाह विवरण में जो रोकड़ शेष है वो कहां शामिल होता है, अनुसूची में, शेड्यूल में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है तो आप इन आधारों पर डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थ्योरी पार्ट, किससे रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब जो है एक थ्योरी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि AS3 के अकॉर्डिंग रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप बताइए, तो वो कैसे है। तो अब जो है हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप देखते हैं। ठीक है, कौन सा इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3, याद रखना ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और जो मैं आपको फॉर्मेट अब बता रही हूं इसे आप नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये आपको थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है कि कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप बताइए। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण, ये हो जाएगा हमारा विवरण, राशि और शुद्ध राशि। ठीक है,
अब कोष प्रवाह सॉरी रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो है वो है संचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सब इसका फॉर्मेट हम समझ रहे हैं पहले, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो यहां लिखा हुआ है इसको मैं इसके साथ ही सॉल्व करना बताऊंगी। अब इसमें क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितनी रोकड़ प्राप्त हुई है वो हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहले लेते हैं, ये नोट करते चलिए आप लोग साथ साथ, शुद्ध लाभ करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर लेते हैं संचय व आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी कौन सा लेता है, लेते हैं करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें ऐड करते हैं, यदि आपको प्रस्तावित लाभांश दिया है, प्रस्तावित लाभांश, तो ये करंट ईयर का यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्रपोज डिविडेंड दिया हो तो, फिर राज जो है डेप्रिशिएशन दिया हो तो वो ऐड कर देते हैं, लाभांश जो है आपको ये दिया हो तो वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेटेंट प्रारंभिक व्यय और ख्याति का अपलेखन ये दिया हो, अपलेखन मतलब यदि करंट ईयर में कमी हो रही है, ये सब आप नोट करते चलिए। ठीक है, ये हम ले लेंगे इसमें। और निर्गमन अंश या ऋण पत्र निर्गमन के व्यय, पूंजीगत व्यय है जिनको अपलेखन करना होता है, अंश निर्गमन व्यय ये भी दिए हो तो ये कम हो जाएंगे। इसके बाद यदि कोई संपत्ति बेची है तो उस पर लाभ या हानि दोनों हो सकता है, तो यदि हानि हो रही है तो हम उसे प्लस करेंगे और लाभ हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे। तो संपत्ति के विक्रय पर हानि ये हम ले लेंगे। किसी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन हुआ हो, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन से हानि, तो वो भी हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये सब आइटम प्लस करने के बाद कुछ आइटम माइनस भी होते हैं, वो कौन से हैं, तो संपत्ति के विक्रय पर लाभ। ठीक है, ये माइनस होता है, माइनस के आइटम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर पुनर्मूल्यांकन से लाभ ये भी माइनस करेंगे। और यदि लाभांश प्राप्त हुआ है, प्राप्त लाभांश ये भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज हमारी रह गई है, मैं यहां डाल रही हूं कर प्रावधान। ठीक है, कर का प्रावधान जो है करंट ईयर का, ये हमारा आइटम एक रह गया है, वो भी हमें प्लस करना है। अब ये करने के बाद अभी आंसर नहीं आया है, अब जो है आपको इसमें प्लस करना है, ये हमारी जो करंट एसेट्स होती हैं चल संपत्ति, तो ध्यान देना चल संपत्ति में यदि कमी हुई है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यदि वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है चल दायित्व का नियम क्या है, यदि कमी हुई है तो हम माइनस करेंगे और वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे। क्या मतलब है, चल संपत्ति में कमी हुई तो प्लस क्यों कर रहे हैं, देखिए स्टॉक मेरे पास जो है 10,000 रुपए का था और अब जो है करंट ईयर में 8,000 रुपए का बचा, तो 2,000 रुपए का स्टॉक कम हो रहा है का अर्थ क्या हुआ कि मैंने बेचा होगा तो मेरे पास रोकड़ आई होगी, इस रीजन से जो है मैं कमी को प्लस कर रही हूं। सेम ऐसी रूल मैंने इसमें लगाया। ये करने के बाद लास्ट में हमें एक और चीज इसमें माइनस करनी है, वो है टैक्स, कर चुकाया।
टैक्स पेड जो है वो माइनस करना है, तो ये मेरा आंसर आएगा पहली एक्टिविटी का। ये फॉर्मेट आपको समझ में आया, क्लियर? ये जो है अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने आपको मैक्सिमम आइटम बताए हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये मैक्सिमम आइटम हो। अब कैसे हमें सर्च करना है, तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना कि हमें जो क्वेश्चन में सारे आइटम दिए हुए हैं, इसमें जो दिए हुए हैं आइटम ये पूरे इसमें जाएंगे, पूरे कैश फ्लो में जाएंगे, कहीं ना कहीं सबकी जगह है। और ये जो समायोजन में दी है, मतलब आपको बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, इसकी डबल एंट्री होगी, ये दो जगह पर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमको लाइबिलिटी साइड दी है, तो लाइबिलिटी साइड की चीजें जो है वो कहाँ कहाँ जाती हैं वो हम समझ लें। तो अंश पूंजी, स्थायी दायित्व, फिक्स्ड नेचर के जो लाइबिलिटीज हैं वो किसमें जाती हैं, थर्ड एक्टिविटी में। तो अंश पूंजी जो है शेयर कैपिटल स्थायी नेचर की होती है, तो वो हमारी थर्ड एक्टिविटी में जाएगी। लाभहानि, ये हमारा स्टार्टिंग ही होता है क्वेश्चन का, तो लाभहानि हम फर्स्ट एक्टिविटी में लेंगे, ठीक है। दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी लॉन्ग नेचर के हैं, तो थर्ड एक्टिविटी में जाएंगे, अभी हम थर्ड समझेंगे। और करंट लाइबिलिटीज जो है वो हमारी फर्स्ट में आ जाएगी, ठीक है। मतलब सेकेंड एक्टिविटी में आप देखिए विनियोग क्रियाओं से जो हम करेंगे, तो उसमें सेकेंड एक्टिविटी जो है लाइबिलिटी साइड से नहीं आती है। अब जो है संपत्ति पक्ष में आ जाए, तो संपत्ति पक्ष में जो स्थायी संपत्तियां हैं कौन कौन सी, ये और ये और ये विनियोग, ये कहां जाएंगे, सेकेंड एक्टिविटी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सेकेंड एक्टिविटी जो बनेगी वो किससे बनेगी, स्थायी संपत्ति से। पेटेंट जो है वो दोनों में आ सकता है, पहला और दूसरा दोनों में आ सकता है, इसकी कंडीशन बताऊंगे। बाकी चल संपत्तियां जो है इसमें ये प्रतिभूति और ये रोकड़, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नए AS3 में जो है विपणन योग्य प्रतिभूति को भी क्या मान लिया गया है, रोकड़ के बराबर। तो रोकड़ में रोकड़, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको कि रोकड़ तुल्य जो है, रोकड़ तुल्य में क्या क्या शामिल है, तो रोकड़ तुल्य में कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज शामिल है। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। अब बचा हमारा स्टॉक और प्राप्य बिल, ये क्या है, हमारी चल संपत्तियां हैं, तो ये फर्स्ट में आएंगी, और ये निर्गमन व्यय जो है वो फर्स्ट में आएंगे। इस तरीके से जो है हम हमारी बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं फर्स्ट, तो सबसे पहले आप हमारे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढ लीजिए। शुद्ध लाभ देखिए ये दिया हुआ है, इसमें क्या रूल लगाना है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 2019 हमारा करेंट ईयर है, 2018 प्रीवियस ईयर है, तो 1,98,000 माइनस 83,000, ये जो है मैं ले लूंगी, तो ये आ जाएगा हमारा 1,15,000 प्रॉफिट। फिर आप संचय ढूंढ लीजिए, यहाँ संचय दिया है क्या, इसी साइड देखना है, नहीं है। प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड, नहीं है ये हमारी नहीं। डेप्रिशिएशन ह्रास आपको समायोजन में मिलेगा, तो ये मशीन पर ह्रास दिया है 27,000 रुपए, तो मैं ये ले लूंगी 27,000 रुपए, ठीक है। लाभांश आपको समायोजन में मिलेगा, नहीं है। पेटेंट प्रारंभिक व्यय ख्याति का अपलेखन, तो देखिए ये आपको संपत्ति पक्ष में मिलेगा। पेटेंट पिछले साल था 20,000 रुपए, इस साल हो गया 12,000 रुपए, कमी हो रही है, ठीक है। तो कितने रुपए की कमी हो रही है, 8,000 रुपए। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी में आ गया। यदि ये अपोजिट होता, मतलब पिछले साल 12,000 होता, इस साल 20,000 होता, तो हम इसे पहली एक्टिविटी में नहीं लेते, किसमें लेते, सेकेंड वाली में लेते, क्लियर। तो ख्याति और पेटेंट में यदि कमी हो तो इसमें लेना है पहली वाली में, और यदि वृद्धि हो तो आपको किसमें डालना है, सेकेंड वाली में, ठीक है। कर का प्रावधान हमारे पास है, ये कर का प्रावधान, तो देखिए 16,000 और कर का प्रावधान, तो हमें चालू वर्ष वाला लेना है, तो 17,000 रुपए जो है मैं कर का प्रावधान ले लूंगी, ठीक है। अंश निर्गमन के व्यय, पूंजीगत व्यय कोई दिए हैं, तो ये हमें 2,000 रुपए निर्गमन के व्यय दिए हुए हैं, 2,000 ये ले लूंगी मैं,
कोई संपत्ति बेची है क्या, तो बेचने वाली जानकारी जो है हमेशा समायोजन में रहेगी। तो यहां हमें सिर्फ दो ही समायोजन दिए थे, दोनों हम ले चुके हैं तो ये नहीं है, ठीक है। विक्रय पर हानि, पुनर्मूल्यांकन से हानि, प्राप्त लाभांश नहीं है। अब हम आते हैं हमारी चल संपत्ति और चल दायित्व। संपत्ति में यदि कमी हो तो प्लस, तो हमारे पास संपत्ति में देखिए कौन कौन सी है, स्टॉक और प्राप्य बिल। देखिए स्टॉक को समझ लें, स्टॉक जो है हमें पिछले साल था 116,500, ठीक है, और अभी कितना हो गया 140,000, मतलब ये बढ़ा है, बढ़ा है मतलब हमने खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो कितने का खरीदा, तो 140,000 माइनस 116,500, तो ये कितना आ जाएगा 23,500। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस की माइनस। चल संपत्ति में ये वृद्धि हो तो हमें क्या लिखना है, माइनस। ये मैंने ले लिया स्टॉक, ठीक है। फिर ये प्राप्य बिल, प्राप्त बिल जो है पिछले साल था 73,000 रुपए और अब हो गया है 68,000, कम हो रहा है प्राप्य बिल, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें क्या करना है, उसको 5,000 को प्लस करना है, ठीक है। ये संपत्तियां हो गई हमारी। अब जो है चल दायित्व में प्रावधान हम ले चुके हैं देय बिल। देय बिल पिछले साल 37,000 रुपए था, अब जो है 53,000 रुपए हो गया, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, तो 57, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 रुपए। और दायित्व में वृद्धि क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए। ये चीज हो गई। अब जो है हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो 115,000 प्लस, जो प्लस के आइटम है उनको प्लस करना है 27,000, फिर है 8 और 2 10, 27,000 फिर से, 169,000 आया हमारा, ये प्लस के आइटम हुए, इधर कुछ नहीं है। इसमें जो है मैं 16 और 24 21,000 जोड़ दूंगी और 23,500 घटा दूंगी, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे इसमें 21,000 रुपए और माइनस करेंगे इसमें 23,500, तो ये आ रहा है हमारा 166,500। अब इसमें से हमें माइनस करना है कर कितना चुकाया। अब कर कितना चुकाया, तो आप देखिए ये कर का प्रावधान दिया है और इधर कर का प्रावधान हमको दिया हुआ है, तो जब भी आपको बैलेंस शीट में कर का प्रावधान दिया हो और समायोजन में भी कर का प्रावधान दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है। तो वो हम बना लें, तो मैं यहाँ ऊपर की जो है इन्फॉर्मेशन मिटाती हूँ और यहाँ पे हम छोटा सा कर प्रावधान अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, टैक्स प्रोविजन, दायित्व है, दायित्व का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो कर प्रावधान अकाउंट हम बनाएंगे, तो पिछले साल का जो बैलेंस है वो लेकर आएंगे हम, क्या शेष लाया गया 12,500, और ये करंट ईयर का शेष जो है हम क्या लिखेंगे, शेष ले गए 16,000 रुपए, और उसने इस साल कर का प्रावधान बनाया था, मतलब और ऐड किए थे, तो लाभानि खाते में से निकाल के उसने डाले थे कितने, 17,000 रुपए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 12,500 रुपए जो है आपका बैलेंस था, 17,000 रुपए आपने और डाले, तो आपके प्रावधान अकाउंट में कितने होने थे, 29,500, लेकिन आपका प्रावधान अकाउंट बैलेंस कितना दिखा रहा है आपको, 16,000। इसका अर्थ है कि जो आप बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा, आपका कर का भुगतान, ठीक है। ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है 13,500, तो ये हो गया आपका कर चुकाया, जो कि हमारा सबसे लास्ट में इस राशि में से घटेगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। मैं यहां पर लिख रही हूं कर चुकाया कितने रुपए, 13,500 रुपए, यहां मैं लिख देती हूं, आप लोग इसी के नीचे लिखिए, हम माइनस कर लेंगे, तो
66,500 में से हम माइनस कर लेंगे 13,500, तो ये हमारा आंसर आएगा पहली एक्टिविटी का 1,53,000। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है, थोड़ी बड़ी, सबसे बड़ी एक्टिविटी यही होती है। तो आपको एग्जाम में इसका भी लिखने को आ सकता है कि संचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ को विस्तृत रूप से समझाइए। तो ये जो फॉर्मेट है आप पूरा लिखेंगे, कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। अब जो है हम बनाएंगे हमारी सेकेंड एक्टिविटी, जो की है विनियोग क्रियाओं से प्राप्त रोकड़। सेकेंड एक्टिविटी को हम समझेंगे, तो फॉर्मेट में आप आगे ही कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटी को हम डालेंगे, हम पहली एक्टिविटी का आंसर हमारा यहां नोट कर लें, 1,53,000। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी है हमारी विनियोग क्रियाओं से प्राप्त रोकड़। विनियोग क्रियाओं से प्राप्त रोकड़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आता है तो ध्यान रखना, स्थायी संपत्ति का खरीदना और बेचना इसमें आता है। मतलब यदि आपको केवल विनियोग क्रियाओं के बारे में आए कि इसको समझाइए, तो स्थायी संपत्ति का क्रय ये माइनस में आता है, क्योंकि खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, और स्थायी संपत्ति का विक्रय ये आता है इसमें, ये प्लस में आएगा, बेचेंगे तो पैसे आएंगे, और प्राप्त ब्याज यदि हो तो वो आता है, और प्राप्त लाभांश यदि वो हो तो वो आता है। ठीक है, किसी दूसरी कंपनी से कोई ब्याज मिला, ये चार चीजें जो है सेकेंड एक्टिविटी में आती है। अब स्थाई संपत्ति, तो हम चलेंगे संपत्ति पक्ष में, हमारी जो जो स्थाई संपत्ति है उसका एडजस्टमेंट इस एक्टिविटी में होगा, चेक कर लेते हैं। तो पहली है मशीनरी। तो मशीनरी देखिए, पिछले साल 1,80,000 रुपए की थी, इस साल 2,15,000 रुपए की हो गई, मतलब बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब खरीदी होगी, लेकिन यदि ये डेप्रिशिएशन हमको इसके एडजस्टमेंट का डेप्रिशिएशन नहीं दिया रहता तो हम डायरेक्ट माइनस करके इसको खरीदना दिखा देते, लेकिन हमको चूंकि मशीनरी अकाउंट पे डेप्रिशिएशन दिया हुआ है 27,000 रुपए का, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, मशीनरी अकाउंट छोटा सा बनेगा। ये मशीनरी हमारी एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो शेष लाया गया, पिछले साल का बैलेंस हमारा कितना है, 1,80,000 रुपए। ठीक है, इस साल का बैलेंस कितना है हमारा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन शेष ले गए 2,15,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें जो है डेप्रिशिएशन लगाया हमने, ह्रास लगाने से वैल्यू कम होनी चाहिए, 27,000 रुपए का हमने डेप्रिशिएशन लगाया। ठीक है, मतलब पिछले साल मेरे पास 1,80,000 रुपए की एसेट्स थी, उसमें से मैंने यदि 27,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लगा दिया तो यहाँ पे वैल्यू कम होनी थी, यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हमने संपत्ति खरीदी है। 2,42,000 जो है हमारी टोटल आया, तो इधर हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से, बैंक खाते से, और 2,42,000 में से हम 1,80,000 घटा लेंगे तो यह आएगा 62,000 रुपए। ये क्या हुआ, इसका क्रय। ठीक है, तो क्रय हुआ है, तो यहां पे मैं लिखूंगी मशीनरी का क्रय, परचेज ऑफ मशीनरी 62,000 रुपए। ठीक है, क्लियर ये चीज, ये हो गई हमारी मशीनरी। ये कैलकुलेशन हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हमें डेप्रिशिएशन दिया था। भवन को देखिए, भवन हमें पिछले साल 0 था, इस साल 94,000 का हो गया, मतलब पूरा खरीदा। अब इसमें मैं अकाउंट क्यों नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमको डेप्रिशिएशन या कोई और एडजस्टमेंट नहीं दिया है, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लूंगी भवन का क्रय 94,000 रुपए। ठीक है, अंतर समझ में आया। फिर इसके बाद है दीर्घकालीन विनियोग, ये भी हमारी स्थायी संपत्ति है। पिछले साल 25,000 था, इस साल 38,000 रुपए हो गया, तो ये क्या है, ये भी बढ़ रहे हैं, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, विनियोग क्रय,
कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किए, तो 38,25 13,000 रुपए के विनियोग हमने खरीदे, खरीदना इसमें माइनस में, तो ये हो गई हमारी, कोई प्राप्त ब्याज नहीं है, प्राप्त लाभांश नहीं है। टोटल कर लेंगे हम तो ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा 1,69,000। क्लियर ये चीज, सेकेंड एक्टिविटी समझ में आई, अलग से डिफाइन करने को आता है शॉर्ट आंसर में तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। अब जो है हम समझेंगे यहां पर थर्ड एक्टिविटी, जो कि है वित्तीय क्रियाओं से प्राप्त रोकड़। इसका आंसर मैं ऊपर नोट कर लेती हूँ, हमें स्पेस मिल जाएगा, ये हमारा माइनस में है, ठीक है। चलिए अब जो है हम थर्ड एक्टिविटी हमारी करेंगे, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाओं से प्राप्त रोकड़, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका दायित्व पक्ष में स्थायी दायित्व जो है उनका प्राप्ति और भुगतान। क्या क्या आएगा तो पहले मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता दूं, अंश पूंजी का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ऋण पूंजी ऋण पत्र का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर, फिर आएगा आपका दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति, रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये आएगा आपका ये प्राप्त होने का। फिर ऐसे ही भुगतान का आ जाएगा तो अंश पूंजी ऋण पूंजी का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स, और आएगा आपका दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, और इसके अलावा आएगा आपका लाभांश का भुगतान और ब्याज का भुगतान, यदि कुछ हो तो, ठीक है। तो भुगतान वाली चीज जो है वो माइनस में आएगी, बाकी सब प्लस में आएगा, हो गया। अब हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो क्या क्या बचा हुआ है अब हमारा। देखिए अंश पूंजी पिछले साल 2,00,000 रुपए की थी शेयर कैपिटल, अब जो है 2,50,000 की हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ रही है, मतलब हमने इशू की तो कितनी हो जाएगी 50,000 रुपए हमारी प्लस में। फिर चेक कर लीजिए ऋण पत्र, यहां हमारे पास ऋण पत्र नहीं है। फिर दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति, तो दीर्घकालीन ऋण है हमारे पास, पिछले साल 1,07,500 के थे, अब जो है 84,000 रुपए के हो गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं का अर्थ क्या हुआ कि हम जो है इसका भुगतान कर रहे हैं, तो कितने 23,500 ये हम क्या कर रहे हैं भुगतान कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23,500। दोनों जगह आ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर इसके अलावा क्या बचा है हमारा, हो गया लाभांश का भुगतान, हमें समायोजन में कोई नहीं दिया था, ब्याज नहीं दिया था, ये सब हमने, ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी सॉरी थर्ड एक्टिविटी जो है वो हुई। अब जो है हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारी थर्ड एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा, तो थर्ड एक्टिविटी का आंसर कितना आएगा 0,05 और ये हो जाएगा 6, 26,500 ये हमारा प्लस में आएगा। यहां तक क्लियर, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी का आंसर हुआ, यह आप नोट कर लीजिए। फॉर्मेट के लिए आता है तो आपको सारी चीजें लिखनी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है तो जितनी राशि क्वेश्चन में दी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा बचा है, हम क्या करते हैं आखिरी में, हम क्या करते हैं वो हम समझ लें। तो थर्ड एक्टिविटी का आंसर 26,500 में यहां पे लिख देती हूं, ठीक है। आप लोग पूरा कंटिन्यूशन में ही बनाएंगे एग्जाम में। अब ये हमारा तीनों एक्टिविटी का आंसर आएगा, तो यदि प्लस में आता है तो हम क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, मतलब कि शुद्ध वृद्धि रोकड़ बाहर में। तो हम चेक कर लें, तो देखिए 1,53,000 और 26,500 इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा
153,000 प्लस 26,500, तो ये आ रहा है हमारा 179,500। और 169,000 हमारा माइनस में है, तो हम इसे माइनस कर देंगे 169,000, तो ये आ रहा है हमारा 10,500। तो ये प्लस में आ रहा है हमारा आंसर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध रोकड़ बहाव में शुद्ध वृद्धि, रोकड़ बहाव में शुद्ध वृद्धि, नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, इसमें फिर ऐड की जाती है प्रारंभिक रोकड़, ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश मतलब हमारे पास है ये 18,500 और ये प्रतिभूतियां, ठीक है, 18,500 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 23,500। तो आंसर जो है आपका अंतिम रोकड़ शेष के बराबर आना चाहिए, अंतिम रोकड़ शेष। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, तो एक तो ये 30,000 और एक ये 4,000, प्रतिभूति को भी कुछ कैश ही मानते हैं एएसटी में, तो 30,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 34,000। अब इधर से चेक कर लें, तो यस, इसका अर्थ हुआ कि हमने जो भी बनाया है वो हमारा सही है। तो अंत में जो है आपकी इस तरीके से की जाती है। स्टूडेंट्स, ये है आपका यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें आपको पूरा फॉर्मेट पूछा जा सकता है, थ्योरी मैंने समझाई, थ्योरी पूछी जा सकती है, या फिर आपको इन तीनों क्रियाओं को इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आएंगे वो भी मैंने आपको समझाया, और ये कैश किस तरीके से लास्ट में जोड़ी जाती है प्लस माइनस, वो भी मैंने आपको समझाया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में